अल्लाह मेरी जात फरमाया मेरे यार दिया शाना पुछन वाले हो, फरमाया मैं नबी भी बना के भेजी है, फरमाया मैं शाहिद मुबशिर नजीर भी बना के भेजिया है। जेड़े वेले यार दिया ड्यूटियां दी वारी आ गई, अल्लाह मेरी जात फरमाया वदाईन इल्लल्लाह وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً। फरमाया मेरे यार दिया ड्यूटियां पुछन वाले हो, फरमाया ऐ मां जाग देने न वाले हो, फरमाया जरा मेरे बंदियां नू मेरी तरफ दावत दई जाग, फरमाया शैतान दी संगत ने मेरे बंदियां नू नापाक कर दिता है, फरमाया वायो सकी हिंदियां शाना लेके गया है, जरा मेरे बंदियां नू मेरी तरफ दावत दई जाग, जरा मेरे बंदियां नू पाक करी जा। नबी करीम अर्ज कीती या अल्लाह मैं दिन भी तेरे बंदियां नू पाक करांगा, या अल्लाह मैं रात भी तेरे बंदियां नू पाक करांगा, या अल्लाह मेरे घर दा ध्यान कौन रखेगा। अल्लाह मेरी जात फरमाया इल्ला मैं युरीदुल्लाह वलियुज़हिबानकुम रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया मां साफ देने ना वालिया दिन रात मेरे बंदियां नू पाक करी जाओ, कर वालियां दी फिकर ना करी, इना नू मैं पाक कर देना। दस रोजा अजीम शान महफिले जिक्र इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अज दी ए महफिले पाक अपनी रूटीन दे हवाले नाल अज भी मस्जिद दे अंदर इनेकात वजीर है। अज दी महफिले पाक दी ए तमाम दी सआदत हासिल कीती भाई आसम साहेब और दीगर उन्हां दे बरादरान ने, उन्हां दे वालिद गिरामी, उन्हां दे चाचा जान, अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ, अल्लाह ताला जिक्र हुसैन दा सदका भाई आसम साहब और दीगर उन्हां दी सारी फैमिली नूं अल्लाह ताला अजरे कसीर अजरे अजीम अता फरमाए। मेरे तो कबल अल्लामा साहब किबला हजरत अल्लामा मौलाना कारी उस्मान साहेब जिक्र करबला आप हजरात दे सामने आप हजरात नूं सुना रहे सन और इस बात का इजहार कर रहे सन कि अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे इलाके उत्ते खुदा का बड़ा फजल बड़ा करम है कि दस रोज़ा महफिल जिक्र हुसैन सजाना अल्लाह ने तुहाडे इस गाँव के मुकदरां च लिखी। अल्लाह पूरे इलाके के एक एक घर उत्ते अपनियां खास रहमतां दा बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। कुरान मजीद फुरकाने हमीद दी बड़ी मशहूर और मरूफ आयते मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अज मेरे हिस्सा के अंदर जड़ा उन्मान आया अज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इख्तसार नाल आप हज़रात के सामने उसे उन्मान के तहत गुफ्तगु अर्ज करांगे। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। इन्नमा कलमा हसर है इहदा मतलब होंदा है इस दे इलावा नहीं। फरमाया अल्लाह दा इरादा इस दे इलावा नहीं कि ऐ नबी दे घर वालियो, फरमाया तुसा कोलो हर नपाकी हर पलीती नू दूर कर देवा वयुतहिरकुम तत्हीरा और फरमा तुसा नू खूब पाक साफ ते सुथरा कर देवा। याद रखिएगा इरादा असी इंसान भी करने हाँ, असी सुबह इरादा करिए शाम नू टुट जांदा है, शाम नू इरादा करिए सुबह इरादा टुट जांदा है, मगर अल्लाह दे इरादे दी शान है। वे फरमाया इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, फरमाया मैं किसी चीज़ नू आखा ना हो जा ते वो हो जांदी है, फरमाया ये मेरे इरादे दी शान है। फरमाया हुन इरादा ए वे के ऐ नबी दे घर वालियो मैं तुसा कोलो हर नपाकी हर पलीती नू दूर कर देवा वयुतहिरकुम तत्हीरा और फरमा तुसा नू खूब पाक साफ ते सुथरा कर देवा। लोगो कायनात अंदर वाहद घराना है दीदी तहारत दियाँ कसमां और जिम्मेदारियाँ अरशां वाले खुदा ने उठा लिया। फरमाया मैं तुसा नू इतना पाक साफ ते सुथरा कर देवांगा, नपाक तुहाडे वल नहीं आन देवांगा और तुहानू नपाकां वल नहीं जान देवांगा।
फरमा तुसी पाक साफ ते सुथरे हो वाई उता ही रकुम तहीरा गिरामी मर्तबत हजरात अज हर नमाजी नु हुक्म है खबरदार पलीती दे नेड़े ना जामी अज हर जोहो तकवा कमान वाले नु हुक्म है खबरदार नापाकी दे नेड़े ना जामी पलीती दे नेड़े ना जामी मगर इत्थे नापाकी नु हुक्म कीता जा रहा खबरदार मुहम्मद दी आल दे नेड़े ना जामी मेरा ख्याल है तुसी जाग रहे होवोगे जे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुनिया दा ज़ोक ते वैसे ही बड़ा पर जदों ज़िक्र अहले बैत कीता जावे मैनू पता है तुसी बोलोगे सुभान अल्लाह जे नाल दे बंदे वाल पे वेख दियो ओ बोले सुभान अल्लाह ते फिर मैं बोला ना ना सुभान अल्लाह बोलन वारी असी चौधरी बनने आ और ख्याल होंदा नाल दा बोले याद रखिएगा महफले च चौधरी बन के नहीं मुहम्मद अरबी दा कमी बन के बैठी दे और ये नहीं वेखीदा नाल दा बोले ते फिर बोला बल्कि ये तसव्वुर रख के बैठी दे कि मैं सुभान अल्लाह बोलांगा अब महफल दे बार फरिश्ते बैठे ने हाजरी काउंट पे कर देने और जो अल्लाह दी बारगाह च तेरी मेरी हाजरी लैके जानना ते जाके आखण मौला वेख के आया तेरे यार दे दीवाने तेरे महबूब दे अहले बैत दा जिक्र सुनन वाले जदों भी तेरे यार दा नाम आउंदा सी उच्चा हाथ उठा के कहंदे सन सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तुहाडे ज़ौक नूं सलामत रखे। फरमाया के एक घराना बड़ी अजमत वाला बड़ा पाक घराना कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलान नबुव्वत फरमाया उज़ोन ने फरमाया लोगों मैं सारे वास्ते अल्लाह दा नबी बन के आया। कुफारे मक्का कहन लगे जे तुसी नबी बन के आए हो रसूल बन के आए हो ते निशानी कोई दलील कोई ड्यूटी कोई जिम्मेदारी केड़ी लैके आए हो। हर नबी कोई ना कोई शान भी लैके आउंदा है कोई ना कोई ड्यूटी भी लैके आउंदा है थोड़ी ड्यूटी केड़ी है थोड़ी शान केड़ी है तुसी ए सानू दसो ना। खुदा दे कुदरत दे कन्ना ने समात फरमाया ना अल्लाह फरमाया कमली वाले आ ये जदों मेरिया शाना पुछदे रहे ने ते तुसी बयान करदे रहे हो सोने हुण तेरिया शाना पे पुछदे ने ते बयान मैं ना कर लवां महबूबा तेरिया शाना ते बयान मैं कर लैना महबूबा लोगों नूं मैं तेरिया शाना दसना। फिर अल्लाह ने महबूब दियां शाना भी दसियां महबूब दियां ड्यूटियां भी दसियां। हुण पढ़िए कुरान भाई कुरान सुन के सुनी इंज सुभान अल्लाह नहीं आखदे सीने दा जोर ला के हाथ उठा के उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मैनू पता लगे ए मुहम्मद बूटे दा कलाम सुनन वाले नहीं मुहम्मद अरबी दा कलाम सुनन वाले बैठे ने भाई। और इत्थे जो कोई तकरीर करना आवे ना तो कुरान पढ़े तो उच्चा सारा बोलिया करो उन्होंने पता लगे सारे कुरान सुनने वाले बैठे ने ये कुरान पढ़ना भी जानते ने सुनना भी जानते ने और कुरान पढ़वाना भी जानते ने। कुरान के नाते जिदी माँ ने कुरान दियाँ लोरियाँ दे के पाले वह बंदा हाथ उठा के बोलेगा सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तुहाडा ज़ौक सलामत रखे। जिन्हें हजे भी नहीं चुकिया मेरे वास्ते नहीं अल्लाह रसूल की जात वास्ते हाथ उठा के बोलिएगा सुबहान अल्लाह। मुँह परे क्यों कर दिता जी उदा सीधा करो नमो जी पढ़िए कुरान भैया कुरान भैया कुरान भैया तवज्जो नहीं अहबाबे जी वकार तवज्जो मेरे वाल होवेगी फिर बात समझ आवेगी। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे अंदर महबूब दियां शाना बयान कीतियां महबूब दियां अजमता बयान कीतियां और सिर्फ अजमता और शान ही बयान नहीं कीतियां बल्कि यार दियां जिम्मेदारियां यार दियां ड्यूटियां भी अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे अंदर बयान फरमाइया। लोगो इत कुरान एक एक जबर एक एक जेर हर शद मर हर मद हर उसूल हर कायदा हर जबता हर कानून एक कमली वाले दियां शाना पे अभियान करदा जे एक कुरान ते ना ते मुस्तफा है कुरान पढ़ो ते इंज पढ़ो जिवें यार दियां अजमतां ते शाना विच नाता पे पढ़ दियो बड़ियां बड़ियां यार दियां नाता लिखियां पर जिहड़ी नात रब ने कुरान दी सूरत अंदर लिखी याद रखिएगा किसी ने नहीं लिखी। हुण पढ़िए कुरान भाई मैं कह रहा तुसी जाग जाओ ताकि मेरी बात सौखी आप हज़रात तक पहुँच जाए इस वास्ते कह रहा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा व दाइयन इला अल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा।
अल्लाह मेरी जात फरमाया मेरे यार दिया शाना पुछन वाले हो, फरमाया मैं नबी भी बना के भेजी है, फरमाया मैं शाहिद मुबशिर नजीर भी बना के भेजी आए। जड़े वेले यार दिया ड्यूटियां दी वारी आ गई, अल्लाह मेरी जात फरमाया वदाईया इल्लल्लाह وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً फरमाया मेरे यार दियां ड्यूटियां पुछन वाले हो, फरमाया ऐ माजाक देने वाले हो, फरमाया जरा मेरे बंदियां नू मेरी तरफ दावत दई जाग, फरमाया शैतान दी संगत ने मेरे बंदियां नू नापाक कर दिता है, फरमाया वायो सकी हिंदियां शाना लैके गया है, जरा मेरे बंदियां नू मेरी तरफ दावत दई जाग, जरा मेरे बंदियां नू पाक करी जा। नबी करीम अर्ज की या अल्लाह मैं दिन भी तेरे बंदियां नू पाक करांगा, या अल्लाह मैं रात भी तेरे बंदियां नू पाक करांगा, या अल्लाह मेरे घर दा ध्यान कौन रखेगा। अल्लाह मेरी जात फरमाया इल्ला मैं युरीदुल्लाह कुल युज़हिबानकुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया माज़ाक देने ना वालिया दिन रात मेरे बंदियां नू पाक करी जाओ, करवालियां दी फिक्र ना करी, इन्हां नू मैं पाक कर देना। फरमाया महबूबा मेरे बंदियां नू पाक करी जा, घरवालियां दी फिक्र ना करी, इन्हां दे करीब मैं नापाक नहीं होण देंदा, ते इन्हां नू मैं पलीतां वल नहीं जान देंदा। एक ऐसा घराना है। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ बनी इसराइल वालेओ जरा वो मेरिया नेमत तो याद करो जड़िया मैं नेमत थोड़े तो कीतियाँ। या अल्लाह नेमत केड़ियाँ? उलमा फरमाते ने बनी इसराइल विच नबी आंदे रहे। अल्लाह फरमाता ए नबी मैं थोड़े च भेजदा रहा, यह नेमत मैं थोड़े ते कीतियाँ। फरमाया इन्हां नेमत की वजह तो मैं सारे आलमीन ते तुहानूं फजीलत अता फरमाई, सारे आलमीन ते फजीलत अता फरमाई। हुण मैनूं पता लगना तुसीं कितनी तवज्जो लैके बैठे हो। ईमानदारी नाल दसो लोगो जिन्हां च नबी आउंदे रहे, अल्लाह फरमांदा मैं तुहानूं सारे आलमीन ते फजीलत अता फरमाई है कि तुहाडे विच नबी आउंदे रहे। ईमानदारी नाल दसो फिर वह किन्ने कु फजीलतां वाले होणगे जिन्हां विच नबियां दा ताजदार आया होवेगा, जिन्हां दे विहड़े नबियां दा ताजदार आया होवेगा। वो कितनिया को अजमत वाले लोग होंगे, वो कितनिया फजीलत वाले होंगे। अज किसी खानदान के अंदर को एक थानेदार हो, को एक वकील हो, को एक एम पी ए या एम एन ए हो, ख्याल आता मैं इलाके च डैली कोई नहीं, मेरे घर का थानेदार, मेरे घर का एस एच ओ, मेरे घर का एम पी ए एम एन ए वे, मैनू फिक्र ही कोई नहीं। ईमानदारी नाल दसो उन्होंने किन्ना को मान होगा जिन्हां दे घर का मुश्किल कुशा भी हो, नबियां का ताजदार भी हो, जिन्हां दे घर का मुश्किल कुशा होवे उन्होंने कितना को मान होवेगा। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आल नबी दी औलाद अली दी सूरत शक्ल उनादी नाम लिया लख पाप निरे दे ते मैल अंदर दी जान दी आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल सियानी खैर चपाओ मुहम्मद दाई ए सदका शाह जिलानी। आज साढ़े बुद्ध बुए थे मंगता या आ जावे, मंगता या आके कहता घर वाले तेरी खैर होवे, असी उन्हों कुछ ना अता करिए आखेगा घर वाले तेरे कारोबार की खैर होवे, असी कुछ ना अता करिए आखेगा घर वाले ये तेरे बाल बच्चिया की खैर होवे, को पत्थर दिल इंसान भी होवे वह भी कुछ ना कुछ दे देवेगा। पता लगिया तेरे बच्चिया का सदका मंगिया जावे तो मंगते नो कुछ ना कुछ अदा कर देना है। इतने मुहम्मद पुत्रां दा सदका मंग के आवी
जो मंगेगा अल्लाह अता फरमा देवे। कदे नबी दे पुतना दा सदका मंगी खैर च पाओ मुहम्मद ताई सदका शाहे जिलानी। इन्हां दा सदका मंगन वाला कदे याद रखिएगा खाली नहीं गया दर तो। नबी पाक अली सलात व सलाम दे गुलामो जिन्हां दे घर मुश्किल कुशा भी होवे नबियां दा ताजदार भी होवे उन्हां नूं कितना कुमान होवेगा। हसनैन करीम हैं ते ओ हस्तियां ने नबी पाक अली सलात व सलाम ने फरमाया मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार ने। नौजवानों तुसी ते उच्चा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जन्नती नौजवानों के सरदार। और याद रखिएगा सिर्फ हुजूर ने इस गलों नहीं फरमाया कि यह सैयद ज़हरा पाक के पुत्र ने नबी करीम अली सलात व सलाम का खून ने अली पाक दे लाल ने इस वास्ते नहीं फरमाया कि यह जन्नती नौजवानों के सरदार ने बल्कि हजरत इमाम हसन हुसैन सरदार बनते सन तां फरमाया ये सरदार ने। और याद रखिएगा हजरत इमाम अली मुकाम ने करबला के मैदान अंदर जिहड़ा किरदार अदा किया है आपने अपने पुत्र अपने भतीजे पांजे अपनी जान तक सारा कुछ कुर्बान करके लोगों को दसिया लोगो मेरे नाने ने जिहड़ा फरमान फरमाया है ना ये तुसी कयामत तक आखोगे हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार बनता सी तां ही हुज़ूर ने फरमाया है। हाँ हाँ हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन उलमा ने ना जन्नत ते दोज़ख का मुकालमा लिखे है जो कयामत का दिन आएगा ना जन्नत ते दोज़ख आपस में मुकालमा करेंगे। दोज़ख आखेगी नहीं जन्नत ते दस ना तेरे पले की है अवेख वड्डे वड्डे गुनाहगार मेरे कोल फिरौन मेरे कोल नमरूद मेरे कोल हम्मान मेरे कोल शद्दाद मेरे कोल ये वड्डे वड्डे गुनाहगार ये नमरूद वर्गे जिन्हें आखिया अना रब्बुकुम अलआला जिन्हें खुदाइया के दावे किए जिन्हें खजाने दियाँ चाबियां सत्तर सत्तर ऊंट उठा के फिर दे रहे अवेख वड्डे वड्डे गुनाहगार मेरे कोल दोज़ख आखेगी जन्नत दस ना तेरे पले की है अज लोगो पले कुछ होवे ना तो गल्लां आ जांदियां ने जन्नत उस वेले अपना चेहरा लटका लवेगी अल्लाह की कुदरत की आवाज़ आएगी नहीं जन्नत तू क्यों चेहरा लटका रही या अल्लाह वेखना वड्डे वड्डे गुनाहगार उथे वो मैनू पई आखदी तेरे पले की है आवाज़ आएगी नहीं जन्नत तू भी अपना चेहरा उठा के इस दोज़ख नूं कह दे दोज़खे वड्डे वड्डे गुनाहगार तेरे कोल ने अवेख हसन मेरे कोल है हुसैन मेरे कोल है अब वेख ना जन्नती नौजवानों के सरदार हसनो हुसैन मेरे कोल ने। हाँ हाँ नबी करीम ने फरमाया कयामत का दिहाड़ा होगा ये जन्नत अल्लाह की बारगाह चर्ज करेगी या अल्लाह तू मेरे नाल वादा नहीं सी कीता कि तू मैनू दो जन्नती सतूना नाल सजाएगा तो या अल्लाह वह सतून कित्थे अल्लाह फरमाएगा जन्नत वह सतून मैं तेनों अता कर दिते ने आखेगी या अल्लाह कित्थे फरमाया जाएगा वह वेखना एक का ना हसन है एक का ना हुसैन है एक का ना हसन एक का ना हुसैन ये जन्नती सुतून ये जन्नती शहजादे पता लग गया इन्हों के कोलों खैरात मंगी जाए इन्हों के बूबे तो मंगी जाए कमली वाले के बूबे तो हसनैन करीम मैन का सदका मंगया जाए यह सोना अता फरमांदा है उसकी वजह की है सरकार ने एक दिन हजरत इमाम हुसैन को गोदी च बिठाया तवज्जो है ना भाई इमाम हुसैन गोदी च बिठा के हुजूर प्यार कर रहे इमाम हुसैन ना सरकार की कदे दाड़ी नाल खेडदे ने सरकार कदे इमाम हुसैन का मत्था चूमते ने कदे मूँह चूमते ने प्यार करते ने। वैसे उन एक ईमानदारी नाल दसो लोगो अज कोई भी मदीना तैयबा जावे अल्लाह सारे दे मुकदरां च करे अज लोग मदीना तैयबा जाते हैं तो जाके ना उत्थे की आखते हैं वो साढ़े बुजुर्ग फरमाते होंगे सन कि कोई आलम लवार गुजरिया असा तो नहीं वेख्या वो गुजरिया वो पढ़ता हों तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे की जाली चुम लैन दे कहता हों पहरेदारा तेरी खैर होवे रोजे की जाली चुम लैन दे अज भी को बाबा झटका जहा को गाँव का रहन वाला उत्थे जावे ना तो जाके पहरेदार नूं आखदा यार एड्डी दूरों आया मदीने सरकार दे रोजे ते जाली चुमन वास्ते उत्थे ते पढ़दे होंदे सां तेरी जाली भी चुमांगे तेरी जाली सीने नाल भी लगावांगे ते इत्थे तू चुमन नहीं दे रहा पहरेदारा तेरी खैर होवे एक बार जरा जाली चुम ते लैण दे बड़ी दूरों आया ओ पाकिस्तान चो सफ़र करके मदीने आया तो जाली ते चुम लैण दे ईमानदारी नाल दसो अज असी 1400 साल साढ़े 1400 साल गुजर गए अज असी तरले पाने पहरेदारा ये जाली चुम लैन दे वजह की है अंदर कमली वाले लेटे अंदर और एक होर इतराज़ मैं आप हज़रात के सामने अज अर्ज़ करा
लोग आखते हैं वेखो जी सिर्फ उन्होंने मनो जेडे दरूद विच मुहम्मद दे नाल ने। मैं किसी हिट नहीं कर रहा, मैं अपना अकीदा बयान कर रहा और मैनू अपना अकीदा बयान करने का हक है। अज लोग आखते हैं वेखो जी जेडे दरूद विच मुहम्मद दे नाल ने उन्होंने मनो। मैं कहना चलिया जेडे दरूद विच मुहम्मद दे नाल ने उन्होंने तो मानना है, तो जेडे रोजे विच मुहम्मद दे नाल ने। सुन्नी माँ का पुत्र बोलेगा हाथ उठा के सुभान अल्लाह। वो जेडे रोजे विच मुहम्मद दे नाल ने, ते आ जफ्फी पा के सीने दे नाल लग के लेटे, पता लग गया दरूद विच जेडे मुहम्मद दे नाल ने असी उन्होंने भी मनने आ, ते जेडे गुंबद दे खजरा विच मुहम्मद दे नाल लेटे असी उन्होंने भी मनने आ। अज मैं ते तुसी मदीने जाके आखने यार ये जाली चुम लैन दे, वजह की है कमली वाले लेटे ना गुंबद दे खजरा विच ते जाली लग गई सरकार दे रोजे दे नाल, और जेडी जाली महबूब दे रोजे नाल लग जाए असी उन्होंने चुमन वास्ते पहरेदार दे तरले मारने आ। तो उस हुसैन नाल प्यार क्यों ना करिए जिन्हों 8 साल कमली वाला चुमदा रहा जे। औला पे बोल दियो सुभान अल्लाह, उच्चा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा जिन्हों हाथ ते तकलीफ नहीं, जिन्हों पक्का ही मां ने के मेरा हाथ कमली वाले आका अली सलात व सलाम और हसनैन करीम मैं पुत्रां दा सदका गैर दे बूवे ते नहीं झुकदा, वह हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। वो असी उस जाली नूं चुमण वास्ते तरले मारीए, ते वो 8 साल तक मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाली वाले रसूल इमाम हुसैन नूं चुमदे रहे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु गोदी अंदर सरकार कदे चुमदे ने कदे प्यार करदे ने। कोलों दी गुजरन वाले ने एक बंदे ने आखिया कमली वाले आ असां ते कदे इंज पुत्रा नाल प्यार नहीं कीता, ते तुसी इंज प्यार पे करी जांदे हो। हुज़ूर ने फरमाया लोगो मैं ते जिहड़ा करना ही करना रब मेरे नाल भी बहुता प्यार करदा जे, रब मेरे नाल भी बहुता प्यार करदा। हाँ हाँ सरकार ने फरमा अली पाक आ जाओ, जहरा पाक आ जाओ, हसन हुसैन बेटा आ जाओ। सरकार ने अपनी कमली च इन्हां चौमां नूं लैके फरमाया लोगो आ मेरी अहले बैत है, नाले आखिया या अल्लाह मैं इन्हां नाल प्यार करना, तो या अल्लाह तू भी इन्हां नाल प्यार कर, तो जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करे ना तू उन्हां नाल भी प्यार कर, जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करे तू उन्हां नाल भी प्यार कर। फिर सहाबे किराम किवें प्यार कीता याद रखिएगा, सहाबा सन इश्क दे बंदे, उन्हां वेख्या कमली वाला उंज राजी है जिवें हुसैन राजी है, उन्हें हुसैने वाली मुकाम नू राजी किया ताकि कमली वाला राजी हो जाए। कमली वाला राजी हो गया तो रब भी राजी हो जाएगा। और मुसलमानों इस घराने की मैं अजमत व शान अर्ज करा, कुराने मजीद फुरकाने हमीद दियाँ जिन्होंने सरहदा वास्ते अपना सारा कुछ लुटा दिता, जिन्हें करबला के मैदान अंदर भी इस कुरान दियाँ सरहदा की हिफाजत वास्ते अपने पुत्र अपने भतीजे पांजे वीर सारा कुछ कुर्बान करा दिता। 3 दिन की भुख तो बर्दाश्त कर रहे, प्यास भी बर्दाश्त कर रहे, मगर कुरान फिर भी पढ़ रहे थे, नमाज फिर भी पढ़ रहे। और जिन्हें करबला दे मैदान अंदर इंज कुरान नाल प्यार किया, आओ एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ा कि वह किमें करबला दे मैदान अंदर अहले बैत इत्तेहार कुरान दियां तिलावतां पे करते हैं। तवज्जो है, पढ़िए कुरान भाई, एड्डी ढिली सुभान अल्लाह नाल कुरान पढ़िया नहीं जाता। अच्छा हाथ वो बंदा ना उठावे जिन्हों खदशा है कि मैं शहीद ना हो जावा, दूसरा बंदा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवातुम बल अहया वलाकिन ला तशुरून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जड़े अल्लाह की राह च कतले हो जाने उन्होंने मुर्दा ना आखिया हो जाए, साडा ईमान जड़े अल्लाह की राह च कतले हो जाने मुर्दा नहीं हो पर जिंदा ने। असि कुरान की हर आयत हर जबर हर जेर नु मनन वाले हाँ। अल्लाह के कुरान ने फरमाया शहीद जिंदा है, लोगो असि मनने शहीद जिंदा है, मगर लोगो समझ नहीं आ रही शहीद किवें जिंदा है। नबी करीम ने फरमाया लोगो जब भी कुरान समझ ना आवे मेरी अहले बैत बोवे ते आया जे कुरान समझ आ जाएगा। फरमाया कुरान अहले बैत नाल है, अहले बैत कुरान दे नाल है। फरमाया दुनिया ते भी इकट्ठे ने, हशर दे दिहाड़े भी इकट्ठे, मेज़ानियों ते भी इकट्ठे। फरमाया हौज़े कौसर ते भी कुरान अहले बैत इकट्ठे आणगे। फरमाया कुरान समझ ना आवे मेरी अहले बैत बोवे ते आया जे आओ तो सब रात की दुनिया च कुरानी उठा के हुसैन की बारगाह चलिए, ते जाके पुछिए हुसैन अली मुकाम तुहाडे नाने दा कुरान पिया कहिंदा शहीद जिंदा है। असीं मनने शहीद जिंदा है मगर समझ
नियारी किवें जिंदा है करबला दे मैदान अंदर लोगो दसो हरमुल हराम दा दियाड़ा हजरत इमाम अली मुकाम ने सदी नोक ते चढ़ गए मैं गौर कीता लब पे हिल दे ने आवाज कुरान पढ़न दी आ रही है हजरत इमाम अली मुकाम कुरान पे पढ़ दे ने वसयालमुल लदीन जलमू अय्यमुल कलबी यनकलिबो हजरत इमाम अली मुकाम कुरान पढ़ी जा रहे नले करबला दे मैदानी अंदर नेज़े दी नोक ते चढ़ के दसिया लोगों में सच्चा मेरा नाना सच्चा मेरे नाने दा कुरान सच्चा शहीद जिंदा हो जाए फरमाया जे समझ नहीं आता जरा नेज़े दी नोक वल वेख तीन दिन की भुख ते प्यास भी है नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़ के लोगों नूं पिया दसना लोगों में शहीद भी जे जिंदा आख्या वेखो ना नेज़े दी नोक ते भी चढ़ के कुरान पिया पढ़ना मैं जिंदा भी जे शहीद भी जे गिरामी कादराबा पता लग गया अहले बैत इंज कुरान पढ़ते ने तन तो गर्दन जुदा भी हो जाए पर कुरान पढ़ना बंद नहीं होता भूले ना मरते मरते आदा पे कुए जाना जब सर ने साथ छोड़ा सजदे किए नजर ने हजरत इमाम अली मुकाम नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़ के दसिया लोगो शहीद जिंदा जे और अपना अकीदा भी मैं बयान करता जावा ये तो शहीद है ना ते जेड़ा नबिया दा ताजदार होवे नबिया दा सुल्तान होवे भाई शहीद जेड़ा रब दी राह च मर जाए अल्लाह दा कुरान फरमांदा उनू मुर्दा नहीं कहना ते जदों आई कमली वाले दी वारी फिर पढ़िए कुरान भाई हौला हौला पे बोल दियो सुभान अल्लाह अल्लाह मेरी याद फरमाया कमली वाले ऐलान कर दे इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमली वाले ऐलान कर दे मेरी नमाज भी तेरे वास्ते मेरी कुर्बानी भी तेरे वास्ते व महया व ममाती या अल्लाह मेरी हयात भी तेरे वास्ते मेरी मौत भी तेरे वास्ते लोगो अनोला शहर मुसलमानों अनोला शरीफ दे रहने वालों ईमानदारी दे नाल दसिया दे ओ शहीद जेड़ा रब दी राह च मर जावे अल्लाह दा कुरान फरमांदा इहनू मुर्दा नहीं कहना ओ नबी जेड़ा जिंदा भी रब दी राह च होवे जेड़ा मरिया भी रब दी राह च होवे ओ नबी मर किवें सकदा ओ शहीद जेड़ा अल्लाह दी राह च मर जाए उन्हों मुर्दा नहीं कहना जेड़ा नबी जिंदा भी रब दी राह ते मरिया भी रब दी राह ते होवे फरमाया फिर उन्हों मुर्दा कहन दे तुसी हकदार नहीं नबी जिंदा नबी करीम अली सलात व सलाम दे गुलामो कुरान रब ने कमली वाले ते नाजल किया तफसीरां हुसैन करबला दे टिपियां ते कर दे नजर ही आ रहे इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला नू दे गुलामो अहले बैत अतहार ने किस कदर अपनिया जाना दे नजराने पेश किए अगर शहादतों का सिलसिला वेखिया जाए अगर ये बयान किया जाए जिंदगी दरकार ने आओ इस घराने की थोड़ी जी मैं फजीलत आप हज़रात के सामने अर्ज करके फिर इजाजत चाहना एक कैसे लोग ने कैसिया अजमत वाले लोग ने जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे लोगों याद रखे जे उन्हों अब्बास अलमदार बना देंदे जे जेड़ा इस घराने नाल प्यार करे कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा उज़ो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा नो सरकार तबलीग फरमा रहे सहाबा दा इज्तिमा अचानक एक मंगता आया वो मंगता कहन लगा जी कमली वाले तेरे बूबे ते सवाली बन के आया तो कुछ अता करो नबी करीम अली सलातो सलाम ने सहाबा वल वेखिया फरमाया अली किथे तवज्जो कोई नहीं आ बाबी आखिया अली किथे
जी लाजपाल हुक्म। सरकार ने फरमा अली आ जाओ। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अली उन तवज्जो मेरे वर रखिएगा। सरकार ने फरमाया अली मंगते नो असाइल नो ले जाओ ते ले जाके ना इदी मंगन वाली जुबान वढ़ दियो, मंगन वाली जुबान वढ़ दियो। सहाबा किराम फरमाते ने ख्याल आया मंगता मंगन वास्ते आया तो हजूर फरमा रहे इदी मंगन वाली जुबान ही वढ़ दियो। सहाबा फरमाते ने हजरत अली पाक ने ना उस मंगते दे मोढ़े ते हाथ रखिया। फरमा चलो जी मंगते नू लैके बाहर। सहाबा फरमाते ने असी हुण इंतजार है चा महफल मुके ते जल्दी नाल जाके वेखिए अली पाक उस मंगते की जुबान कट दिती होवेगी। सहाबा फरमाते ने महफल खत्म हुई ना हजूर दी जल्दी नाल बाहर निकले। फरमाते ने ख्याल किए वेखिए जाके अली ने उस बंदे की उस मंगते की जुबान कट दिती होवेगी। पर फरमाते ने जो बहर गए ना तो जाके वेखिया वह मंगता अली पाक के बूहे ते खलोता नाले नारे पिया मार दे अली तेरा वेड़ा वसे, अली तेरा दबारा वसे, अली तेरा वेड़ा वसे। उच्चा बोलिया जे अली तेरा वेड़ा वसे, अली तेरा। ओए लोगो कमली वाला ते सारी जिंदगी तेरे मेरे वेड़े दी खैरात मंगे ते असी अस नबी ते अली दे वेड़े दी खैरात ना मंगीए ते आखिए कि अली तेरा वेड़ा वसे। महफल दे बाद फरिश्ते खड़े ने तेरी मेरी हाजरी नोट पे करते ने ते आखर ना या अल्लाह अज महफल च इको ही नारा पे मारदे सन कि आखदे सन अली तेरा। हाथ उठा के जेड़ा हाथ लैके आया बोलेगा हाथ उठा के अली तेरा फेड़ा वसे, अली तेरा फेड़ा वसे, अली तेरा दवाड़ा वसे। सहाबा फरमाते ने मंजर देख के हैरान रह गए। हजरत अली पाक नो आके पूछिया अली समझ नहीं आ रही आ की माजरा। अली भी ते बाबे उलूमे मुस्तफा साना इलम दे शहर दा दरवाजा बाबे उलूमे मुस्तफा हजरत अली पाक। सहाबा पूछते ने अली समझ नहीं आई हजूर फरमा रहे जाके इदी मंगन वाली जुबान वढ़ दियो ते ए बार खड़ा होके पिया कहंदा अली तेरा वेड़ा वसे, अली तेरा दवारा वसे, वजह की है। हजरत अली पाक फरमान लगे सहाबा असल च तैनू समझ नहीं आई। नबी करीम ने फरमाया अली इस मंगते नो बाहर ले जा, इस मंगते नो बाहर ले जाके इना ही अता फरमा दे अली नो दोबारा किसे भवे तो मंगन की लोड़ ही ना पवे। फरमाया मैनू बाहर ले आके इना ही अता कीता है मंगता खैरात लैके भवे ते खड़ा हो के भी पिया कहता है अली तेरा बेड़ा वसे, अली तेरा दवारा वसे, अली तेरा बेड़ा वसे। मुसलमानों पता लग गया जेड़ा इस भवे तो एक बार मंग लवे फिर किसे भवे तो मंगन की लोड़ ही नहीं पैंदी। जेड़ा एक बार मंग ले हाँ हाँ। और याद रखिएगा एक बात होर अर्ज करा सरकार अली सलात व सलाम ने एक दिन सैयद अज़हरा पाक दे वेड़े आए तशरीफ लैके वेखिया हसन हुसैन रो रहे। अभी ये पाक ने फरमाया जहरा बेटी ये हसन हुसैन क्यों पे रोंदे ने। अर्थ की बाबा अज तीन दिन गुजर गए ने घर खान लई भी कुछ नहीं भुखे ते प्यासे ने इस वजह तो रो रहे भुख की वजह तो रो रहे। लोगो शहजादी रसूलुल्लाह दी होवे ते तीन दिन की भुख ते प्यास होवे ते अज तेरी बेटी हर सुख हर सहूलत घर के अंदर मुयसर होवे ते फिर भी आके गिले ते शिकवे कर दी है बा मैनू उत्थे लभदा कुछ नहीं। अपनियां बेटियां दी तरबीयत वेखो ते मुहम्मद अरबी दी बेटी दी तरबीयत वेखो। हजरत अली पाक दे निकाह चाहिया सैयद ज़हरा पाक तीन दिन ही गुजरे अली पाक ने अचानक घरे च आके वेखिया रंग जर्द कमजोरी दे आसार। फरमाया ज़हरा खैर क्यों वजह की है परेशान हो। आखे अली कुछ नहीं। हजरत अली पाक फरमान लगे नहीं ना दसो ना एक कमजोरी दे आसार भी ने रंग जर्द भी हो गया वजह की है। आखन लगियाँ अली जे पुछ देना तो मैं दसना नहीं सी। आखिया ज़हरा दसो ना वजह की। आखिया अली अज तीन दिन गुजरे ने तेरे घर दुल्हन बन के आई हाँ ते तीन दिन गुजरे ने मैं खादा भी कुछ नहीं, मैं खादा भी कुछ नहीं। हजरत अली पाक कहन लगे तू मेरे नबी दी शहजादी है बेटी है तू मैनू हुक्म कर दे मैं किधरे नो किधरों कुछ ना कुछ लैके आ जाता। सुनिए नबी दी बेटी का जवाब। सैयद ज़हरा पाक फरमान लगियाँ अली मंगदी किवें मेरे बाबे ने मंगना सिखाया ही नहीं। आए हाय हाय जिन्हों समझ आई वह बोले सुबहान अल्लाह। आखिया अली मेरे बाबे ने मैनू मंगना सिखाया ही नहीं मैनू तो जांदिया करो अलविदा कर दिया मेरे बाबे। आखिया सी ज़हरा बेटी अली बड़ा फकीर जिहा बंदा है अली नू तंग ना करी, अली नू तंग ना करी। आखिया अली मंगदी किवें आ नबी दी बेटी की तरबीयत वेखो। सैयदा आखिया जी तीन दिन गुजरे ने हसन हुसैन खादा कुछ नहीं। नबी पाक अली सलातो सलाम ये इंज करके आसमाना वल वेख्या। जिबरीले अमीन अल्लाह हुक्म फरमा जिबरील या अल्लाह हुक्म होवे। फरमाया अज घर वालों का खाना घरों ही लै जाओ
अज घर वालों का खाना क्योंकि वो बैत है ये अहले बैत ने आख्या घर वालों का खाना करो। जिबरीले अमीन जन्नत चो खाना लैके हजूर की बारगाह च नबी करीम ने सामने रखिया। हजूर ने फरमाया अली आ जाओ, जहरा आ जाओ, हसन हुसैन आ जाओ। खाना शुरू कर लगे ना अचानक दरवाजा खटकिया। नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया लगा जा, चला जाए इथों। मंगता फिर कहन लगा जी कुछ अता करो। सरकार ने फरमाया चला जा। तीसरी मरतबा फिर कहन लगा जी कुछ अता करो। हुज़ूर ने फरमाया चला जा। सैयदा ज़हरा पाक कहन लगियां निवाला मुँह तो करीब लैके गई, दोबारा दस्तरखान ते रखिया ते रख के अर्ज कर दिया ने बाबा उंजे गल समझ नहीं आई, वेड़ा ज़हरा दा होवे ते मंगता खाली चला जावे, वेड़ा ज़हरा दा होवे ते मंगता खाली चला जावे, ये किवें हो सकता है? ते बाबा क्यों पहले उस मंगते नूं भेज दे, वजह की है? नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमा बेटी ज़हरा असल च ये मंगता इंसान नहीं बल्कि शैतान इंसानी शक्ल लैके बाहर खड़ा है। तो बाहर खड़ा होकर भला की पिया कहंदा है, आ मेरे वल वेखिएगा, बाहर खड़ा होकर पिया कहंदा इन्हां नूं की पता होवे मैं कौन आ, इन्हां नूं की पता होवे मैं कौन आ, बाहर खड़ा होकर पिया कहंदा इन्हां नूं की, अज भी लोग कहंदे ने ना इन्हां नूं की पता होवे असी कौन आ। नबी करीम फरमा रहे बाहर खड़ा होकर पिया कहंदा इन्हां नूं की पता होवे मैं कौन आ, ते मैं उन्हूं पिया दसना चला जा, शैतान नाल लाइन ना निकल जा, इथों कुछ नहीं मिलना। वो शैतान जो निकलिया ना टुरिया ना बाहर राह ते पिया ना, ते सामने वो पिया होंदा है जिदे कोलो ये भी डरदा है, जिदे कोलो ये भी डरदा है, शैतान भी जिदे साए कोलो डरदा है। जिस रस्ते ते नबी करीम ने फरमाया उमर आउंदा होवे शैतान भी उस रस्ते ते नहीं चलदा, इहदे साए कोलो भी शैतान डरदा है। हजरत उमर फारूक जिहड़े वेले मदीने दी गली च सामने होया आ रहे ए शैतान रौला पाता जा रहा नाले कहता जा रहा अली दे बुवे तो कुछ नहीं मिलता, नबी दे बुवे तो कुछ नहीं मिलता, ज़हरा दे बुवे तो कुछ नहीं देंदे, अज भी लोग रौला पाते ने अली दे बुवे तो कुछ नहीं मिलता। ए शैतान रौला पाता जा रहा नाले कहता जा रहा नबी दे बुवे तो कुछ नहीं मिलता, अली दे बुवे तो ज़हरा दे बुवे तो कुछ नहीं मिलता। हजरत उमर फारूक सामने हो आ रहे फरमान लगे हैं लई ना ए शैताना ढूंढ जा, अली दे बुवे तो शैताना नो नहीं मिलता, मुहम्मद गुलामा नो मिलता। आखिया इस बुवे तो शैताना नो नहीं लभदा, मुहम्मद पता लग गया तेनों मंगना ही ना आंदा होवे फिर अता करन च फर्क नहीं, तेरे मंगन च फर्क है। इस बुवे तो कदे मंग के वेख ते सही, मंगता आ गया। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर उन्हें ना एक पर्ची लिखी तो शेर लिख के ना ते अंदर भेजा नौकरानी नूं दिता ये जाके इमाम हुसैन नूं दिया जे। हजरत इमाम हुसैन ने वह पर्ची वेखी ना ते पर्ची ते लिखिया कि अरबी लोग जड़े अरब के लोग सन उस शायरी नूं बड़ा पसंद करते सन, अक्सर वो बेशतर अपने मामलात अपनिया गल्लां शेर व शायरी च कह देंदे सन। सरकार हजरत इमाम हुसैन ने वेख्या लिखिया जी कदे मैं लोगों को बढ़ता होंदा सा, अज मेरे उत्ते गरीबी आ गई, तेरे बुवे ते सवाली बन के आया तो कुछ अता कर। उंज सुनियो एक गल ते पता लग गई, बंदा जितना मर्जी अमीर हो जाए खांदा फिर भी वो पंज तन पाक दा सदका ही है। भाई जे नहीं खांदे ते ना बोलो, जे खांदे हो ते फिर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। असी आले सुनो तो जमात हाँ, असी तो खाने ही नबी करीम दे घराने दा सदका अलहमदुल्ला। हजरत इमाम हुसैन ने वेख्या बंदा कोई अपने कबीले का चौधरी है तो अज मेरे बुवे तो मंगन वास्ते आया है। आपने गुलामा नूं फरमा आ भी इकट्ठा करो, आ भी इकट्ठा कर लो, समान तैयार करवा रहे। उधर मंगता ना बाहर उन्हें खड़ा होकर उन्हें वेख्या के अजे तक तो कोई बाहर ही नहीं आया, कोई अता करने वास्ते नहीं आया। उन्हें ना फिर एक शेर लिखिया कागज़ ते लिख के ना ते दरवाज़ा खटकाया, आप दी लोंडी नू दे के फरमाया जी जाके इमाम हुसैन नू दिया जे। इमाम हुसैन ने वो पर्ची वेखी ते उत्ते लिखिया जी सवाली आया ते कोई अता करन ही नहीं आया। इमाम हुसैन समझ गए एक काला पै गया है, एक काला पै गया है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया जल्दी नाल जो कुछ है इनू तैयार करो, मुसलमानों गठड़ी बना ली, बना के ना ते आपने समान भेजिया नाले एक पर्ची लेके दीती, नाले पर्ची ते लिखे है काला पै गया वरना सारा कुछ मैं तेरे वास्ते ही पिया भेजदा सां, बस याद रखी ना तू कदे साडे कोलों मंगे है ते ना असां तेनों कदे कुछ अता कीता है। खैरात भी दे दीती, उहदा भरम भी रख लिया, आखिया बस इंजी
यह समझी कि ना साडे नूं कुछ दिता है और ना तू साडे कोलों कुछ लिया है। पता लग गया इस गुवे तो मंगन वाला कदे भी कोई खाली नहीं गया, बल्कि इंज कह लैने के बड़ा लजबाल है तेरा कराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजबाल है तेरा कराना या। याद रखिएगा मेरे साईं हुजूर किबला ताजदारे चूरा शरीफ फरमांदे होंदे सन, करीम दे बूवे तो मंगता खाली चला जावे ना, मंगते तक कुछ नहीं जांदा, सखियां दे बूवे नूं लाज लग जांदी है। अच्छा भी जेड़ा मंगता बैठे हाथ उठाए, हाँ भला भाई अपना ते नाल दे दा हाथ उठाओ। आखिरी शेर बस इजाजत, आप हजरात दी बारगाह दे अंदर उन शौक आप हजरात दा मैं वेखना है, डंडी नहीं मारनी, रोंद नहीं मारना, बुजुर्गों को लैनी है दुआ। तो जेड़ा पक्का ये सुन्नी बैठा ना जिन्हों पता है मैं जन्नत जाना है, तो हसनैने करीम हैं मेरे सरदार होंगे, उन्होंने दावा दे रहा हाथ उठा के, तो कहना कि ये बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, उच्ची आवाज न आखिया जे बड़ा लजपाल है तेरा घराना, मिलके सारे पढ़िएगा बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या। उसी कोई नहीं पे पढ़ दे, तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना। हजरत इमाम हसन हुसैन ना हज करने वास्ते जा रहे, याद रखी गए ना दोवां शहजादे ने 25-25 हज किते ने पैदल, अपने गुलामां नूं सवारियां दे के भेजनियां, ते आप पैदल हज करने वास्ते जांदे ने, पुछिया गया वजह की है, ते फरमाना वो वड्डी बारगाह ना उत्थे सवारी ते बह के जांदियां शर्म आउंदी है, हया दी वजह तो पैदल जाने आ, 25-25 हज किते पैदल हज ते जा रहे, तो रस्ते च इमामे हुसैन कहन लगे भाई जान वेखो ना भुख लगी है, तो खाण नूं भी कुछ नहीं, अचानक वेखिया सामने कखां दी कुल्ली नज़र आई, जाके ना ते पुछिया अम्मा जी कुछ खावन लई है ते दियो, मुसाफर हाँ ते भुखे भी हाँ। अम्मा कहन लगी एडे सोहणे परौणे हो, दिल नहीं करदा खाली भेजा, पर की करां बड़ी गरीबनी बड़ी, अज घर खावन लई भी कुछ नहीं। इमामे हसन कहन लगी अम्मा अस अज खाली नहीं जाना, असा खाली नहीं जाना। अम्मा कहन लगी अच्छा फिर इंज करो मैं दुध का प्याला लैके आनी हाँ। अम्मा दुध का प्याला लैके आई, अद्धा हजरत इमामे हसन ने पीता, अद्धा हजरत इमामे हुसैन ने पीता, दुध पी के दोवें शहजादे टुरन लगे ना, तो अम्मा कहन लगी बड़े सोहणे हो, किसी चंगी माँ के पुत्र पे लगते हो, तो जे दस जाओ मिलना हो फिर कितने आईए, तो जब मिलना हो मुलाकात नो दिल करे तो फिर कितने आईए। हजरत इमामे हसन कहन लगे अम्मा मदीने आ जाई तो मुहम्मद के पुत्रां दा घर पुछ के आ जाई, मदीने आ जाई, ये दोवें वीर मदीने आ गए। ये अम्मा ना एक दिन मदीना तैयबा की गली च फिर रही, हजरत इमाम हसन ने वेख्या ते पहचान गए, अम्मा नू घर लै गए, ले जाके बड़ी खिदमत की थी, बड़ी तवाजो की थी। अम्मा कहन लगी खिदमत तक करी जा रही हो, मैनू घर भी जान दियो। हजरत इमाम हसन ने 3000 दिरम और 1000 बकरी तोहफा दी थी, आपने तोहफा दे के ना आखिया अम्मा अद्धा प्याला मैं पीता सी, अद्धा मेरे वीर हुसैन ने भी पीता सी, जाओ मेरे वीर हुसैन दे घर। अम्मा हजरत इमामे हुसैन दे घर, इमामे हुसैन ने भी खिदमत की थी, माई दी खिदमत तवाजो की थी, ते माई टुरन लगी ना, ते आपने भी 3000 दिरम ते 1000 बकरी तोहफे च दी, ते नाले काने चाखते ने अम्मा जे किधरे पहले मेरे को लाउंदी ना ते मैं तेनों ये नाल बहुता देना सी, तेनों ये नाल बहुता देना सी, हुण मेरे वीर हसन ने दे दिता है, मैं छोटा वा ना ते जे ज्यादा दिता है, मैं दिल च ख्याल ही ना आवे कि छोटा हो के ज्यादा पिया देंदा है। ओ मां समान लैके टुरन लगी,
नाले आखदी है लजपाल करम नवाजियां पे कर दियो ते मैनू ते पता नहीं क्यों करम नवाजियां पे कर दियो ए इतने तोहफे ए इतने तहाइफ ए इतनी मेरे ते करम नवाजी मेहरबानी वजह की है। हजरत इमाम हसन कहन लगे अम्मा यो याद कर दुध दा प्याला पिलाया सी। हजरत इमाम हसन कहन लगे दुध दा प्याला या ता मैं पीता या ता मेरे वीर हुसैन ने पीता। फरमाया अम्मा दुध दा प्याला पिला के तू ते दुनिया ते भूल गई है। फरमाया कयामत दा दिहाड़ा आ लैण दे असा तैनू उत्थे भी नहीं भुलना। दुनिया कयामत आ लैन दे तेनू असा उत्थे भी नहीं भुलना। पता लग गया जेड़ा इस घराने नाल वफा करे जेड़ा इस घराने नाल प्यार करे अल्लाह उन्हों इंज अता फरमांदा है बड़ा लजपाल है तेरा घराना। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना। या रसूल अल्लाह कह रहे ने जी दस मिनट होर लगा दियो ते लगा दिए बई आप हजरात दी तवज्जो ने दसना बई तवज्जो है आप हजरात दी तकरीर सुननी है ते फिर उच्चा आखना पैना सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नु याद रखिएगा इस घराने नाल प्यार करना ये साड़ी नहीं सहाबा किराम दी भी सुन्नत है। सहाबे किराम किवें इस घराने नाल प्यार करते रहे और अज आ साडे सीनियां च जिहड़ा अहले बैत दा प्यार है ना ये तो सानू अता ही सहाबा ने किया है। सहाबे किराम किवें इस घराने नाल प्यार करते रहे। एक दिन ना हजरत अली पाक और सिद्दीक अकबर दोवें मस्जिद नबवी च नमाज पढ़ के बाहर निकले। हजरत सिद्दीक अकबर ने वेख्या इमामे हुसैन खेड ले नाल बच्चे भी खेड रहे। हजरत सिद्दीक अकबर ना आके ना इमामे हुसैन सीने ना लगाया प्यार करी जा रहे। प्यार करके ना नाले फरमान लगे अली एक गल आखा गुस्सा तो नहीं करोगे जी लजपाल आखो की गल है। आखिया अली वेखना हसन पुत्र तेरा है हुसैन पुत्र तेरा है पर तेरे ते थोड़ा गया है नबी ते बहुता गया है। तेरे ते थोड़ा ते नबी ते बहुता गया है। याद रखिएगा हजरत इमाम हसन सर दे वालों तो लैके नाफ तक ए नबी करीम अली सलात व सलाम दी ए तशबीह सन और हजरत इमाम हुसैन नाफ तो लैके पैर दे नाखुना तक ए तस्वीर सन कमली वाले आका अली सलाम दी। हजरत इमाम हसन हुसैन नु कठियां खड़िया करके अगर वेखे जांदा सी ते तस्वीर मुस्तफा बनदी सी। सहाबे किराम वेख के आखते ने कदे कदे दिल उदास होना ना सरकार दे विसाल तो बाद आखना अली जरा पुत्रा नु बाहर भेजिया जे असा कमली वाले दी दीद करनी है। इंज प्यार करते ने सहाबे किराम अहले बैत नाल इंज हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु हजरत इमाम हसन नु उठाया बुलंद जगह पर बिठा के ना आ मेरे वाल वेख्या जे ए चादर लैके ना हजरत इमाम हसन के कदम साफ कर रहे। हजरत इमाम हसन का बचपन हजरत अबू हुरैरा ओ सहाबी रसूल ने कि सब तो ज्यादा जिन्हों को नबी पाक अली सलात व सलाम दियाँ हदीसा मरवी ने यह हजरत अबू हुरैरा हजरत इमाम हसन के कदम साफ कर रहे। हजरत इमाम हसन ने कदम हटा ले आख्या चाचा जान की पे कर दियो तुसी मेरे नबी करीम मेरे नाना जान दे सहाबी हो वड्डे हो की पे कर दियो। हजरत अबू हुरैरा फिर कदम पकड़े तो फिर साफ करके आखन लगे हसन ए गुलामी मेरे को ना खोया जे आखन लगे ए अली पाक दे बेटे ए शहजादे इमाम हसन तुहाड़ियां शाना जड़ियां तुहाड़े नाने को मैं सुनिया ने ना अगर मैं लोगों के सामने बयान कर देवां फरमाया तुहानू कोई भी जमीन ते कदम रखण ही ना देवे मोढ़ियां ते उठा के फिरदे रहन तुहानू कुछ जमीन ते कदम ना रखण देवे। वो लोग उस शहजादे हुसैन दे जमीन ते कदम किवें आ सकते ने जिन्हों सवारी वास्ते कंधे रसूलुल्लाह दे मिल जाण जिन्हों सवारी वास्ते उंज कुरान पढ़ो ना अल्लाह फरमांदा यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम अला उलमा तशरीफ फरमाने इला नहीं आखिया फरमाया अला सिरात मुस्तकीम फरमाया महबूबा तो सिरात मुस्तकीम दे उते में सिरात मुस्तकीम दे उते
लोगो ईमानदारी नाल दसो ये नबी वो वे जिहड़ा आप सिराते मुस्तकीम दे उत्ते वे ते हुसैन नबी दे मोढ़ियां उत्ते। अच्छा कायनात की हर बुलंदी हुजूर दे कदमां ते मुक गई ते वो किड्डा कु बुलंद होवेगा जिहड़ा बैठा ही मुहम्मद दे मोढ़ियां ते होवे भाई वो किड्डा कु बुलंद होवेगा जिहड़ा मुहम्मद दे मोढ़ियां ते बैठिया होवे। फिर सहाबा उन्हां नाल क्यों ना प्यार करन, फिर हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन नाल सहाबा क्यों ना प्यार करन कि नबी करीम ने इंज प्यार किया अपने शहजादियां नाल, अपने कंधियां ते उठा के बाजार की सैर नबी करीम अली सलात व सलाम ने कराई। बल्कि साडा ते अकीदा ये वे कि हम है गदा रसूल के आले रसूल के, हम है गदा रसूल के आले रसूल के, मौला अली और हज़रत ज़हरा बतौल के, मिल जाए चार जर्रे तो आँखों में डाल लो, मेरे हुसैन आपके कदमों की धूल के, मेरे हुसैन आपके कदमों की धूल के, और मिंबर बना रसूल का अर्शे परी मगर शबीर की नशीस्त है कांदे रसूल के, शबीर की नशीस्त है कांदे मिंबर बना रसूल का अर्शे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांदे। सरकार ना ईद की नमाज पढ़ने वास्ते जा रहे, वेख्या रस्ते च हजरत इमाम हुसैन खड़े, आख्या हुसैन क्यों खड़े हो वजह की है, अर्द की नाना वेखो ना सारे बच्चे अज सवारियां ते बह के ईदगाह वल जा रहे, तो मैं खलोता मेरी सवारी कोई नहीं। नबी पाक अली सलात व सलाम ने फरमाया हसन अच्छा तू कहना सवारी कोई नहीं, रावी लिखता मेरे नबी ने अपने गोडे भी जमीन ते रखे अपने हाथ भी जमीन ते रखे, बंदा हाथ भी जमीन ते रखे तो गोडे भी जमीन ते रखे तो पोजीशन तुसी आप समझ आते हो कि बन दी है। सरकार अली सलात व सलाम ने फरमाया हुसैन आ जा अज सवार हो जा। नबी करीम अली सलात व सलाम की पुछते हजरत इमाम हुसैन सवार होए ना, तो फरमाया हुसैन तू पिया कहंदा सा कहंदा सा कि मेरी सवारी कोई नहीं, अब वेख तेरी सवारी वर्गी तो दो जग विच भी सवारी कोई नहीं, दो जग विच तेरी सवारी वर्गी सवारी कोई नहीं। हजरत इमाम हुसैन सवार होए, अर्द की नाना वेखो ना उन्हें सवारियां दियां वागा भी है ने नुकेल है, वो जिधर नो चाहन उधर नो सवारी टुर पैंदी है, तो मेरी सवारी दियां वागा नुकेल किथे। नबी करीम अली सलात व सलाम ने अपनी जुल्फा खोलियां, कुंडल खोले ना हजूर ने अपनी जुल्फा दे थोड़िया जी जुल्फा इधर थोड़िया जी जुल्फा इधर निकाल के हजरत इमाम हुसैन ने पकड़ियाँ, फरमाया लै हुसैन पुत्रा तू पिया कहना वागा कोई नहीं, तेरी सवारी दियाँ वागा वो ने जिदियाँ रब कुरान च कसमां उठाता जे, तेरी सवारी दियाँ वागा जिदियाँ रब कुरान च कसमां उठावे। सहाबा फरमाते ने असी वेख के फिर हैरान हाँ, हजरत इमाम हुसैन ना सरकार थोड़ा जहा टुरदे ने तो जुल्फा सज्जे पासे खिंचते ने सरकार सज्जे पासे, इमाम हुसैन जुल्फा खब्बे पासे खिंचते ने सरकार खब्बे पासे। सहाबा फरमाते ने उस दिन सानू पता लग्या कमली वाला उंज राजी जिमें हुसैन राजी, तो जिमें हुसैन राजी कमली वाला उंज राजी, तो कमली वाला जिमें राजी उमें रब राजी, उमें रब राजी है। जिन्हों सवारी वास्ते कंधे रसूल अल्लाह दे मिल जान, सलमानो जड़ा बचपन गोदी रसूल अल्लाह दी दे अंदर गुजारे, जिन्हों 8 साल नबी करीम अली सलात व सलाम ने चुमिया होवे, वो जिदी माँ फातिमा होवे, बाबा अली होवे जिदा वीर हसन होवे, बहन सैयदा जैनब होवे, उस हुसैन इबने हैदर ते लखा सलाम ना करिए ते लोगों होर की करिए। ऐसिया अजमत वाले लोग ने, इन्हों की सीरत इन्हों की अजमत नो अगर सारी जिंदगी भी बयान किया जाए, वक्त दरकार है। लोगों ये कैसे लोग ने, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला की अजमत व सीरत कैसी है,
आपकी अजमत बयान की जाए अहले बैत अंदर मुकाम बयान किया जाए वक्त दरकार आपकी अजमत बयान की जाए वक्त दरकार हजरत अली पाक आने हजरत इमामे हसन हुसैन होने जिन्हें नबी करीम ने जिन्हें नाल प्यार किया जिन्हों अजमत रब का कुरान भी बयान कर रहे हैं नबी करीम अली सलातो सलाम की हदीस भी बयान कर रही है नबी करीम कदे कंधियां ते सवार कर रहे हैं कदे पुश्ते सवार कर रहे हैं नबी करीम इन्हां नाल प्यार करके लोगों पे दसदे ने लोगों हर औलाद दी फरमाया हर किसी की नस्ल उदे पुत्रां तो जारी होगी मेरी बेटी फातिमा होवे जिदे विचों में मुहम्मद दी नस्ल जारी होगी फरमाया ए हसन हुसैन फरमाया अली दे पुत्र भी ने फरमाया ए नबी दे पुत्र भी ने फरमाया औलाद अली दी है आल कमली वाले दी है फरमाया इन्हां नाल प्यार करिया जे फरमाया जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा उहदी दुनिया भी समर जाएगी उहदी आखिरत भी समर जाए जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा गिरामियां मर्तबत हज़रात तेरी नस्लें पाक में हैं बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का हूँ अगर मैं मजीद तकरीर कराँ तो अपनी जालम तो ते जुलम होवेगा चूँकि तबीयत बड़ी ख़राब है वैसे तो इस घराने की अजमत बयान करना जिक्र करना ये रूह की तस्कीन होंदी है मगर तबीयत नासाद होने की वजह तो अब आप दे सामने फिर भी एक घंटा तकरीर हो गई बस अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ अल्लाह ताला ये टूटे फूटे अल्फाज ये जिक्र अहले बैत अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा के साड़ी हाजरी अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए अगर दौरान तकरीर कोई ऐसी बात निकली होवे जिहड़ी इस घराने की अजमत व शान दे मुनाफी होवे या शान दे मुताबिक ना होवे अल्लाह ताला उहदी माफ़ी अता फरमाए अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए इस बजम की सारी इंतजामिया सारे अहले इलाका नूं अल्लाह ताला अजरे कसीर अजरे अजीम अता फरमाए आमीन व आखिर दावा यना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।